हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओप्पो रेनो 7 प्रो में फोटोज एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने फोन के फोटोज चेक करा देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये फोटोज हैं और मैं इनको हाइड करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको ये फोटोज हाइड करके दिखाता हूं। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा प्राइवेट सेव का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइज आप प्राइवेट सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, तो आपको सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे अपना आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के बाद गाइज रिकवरी इन्फॉर्मेशन का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेना है। साथ में इसके नीचे आपको सेट और रिकवरी ईमेल का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी ज़रूर डाल लेनी है, ताकि आप फ्यूचर में कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये रिकवर करने के काम आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रिकवरी ईमेल ज़रूर डाल लें। आप एक अपना आंसर बना लें, ताकि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो और आंसर आपका सेम हो। अगर गाइज आप अपना आंसर याद रखेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आंसर आपका सेम होगा तो आपको याद रहेगा और फ्यूचर में आपको पासवर्ड रीसेट करने के काम आएगा। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इमेजेस एंड वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल्स। अब आपका प्राइवेट सेव यहाँ पर सेट हो चुका है। अब मैं आपको फ़ोटो हाइड करके दिखाता हूँ गाइज। तो उसके लिए आपको फ़ोटोज़ में चले जाना है। फ़ोटोज़ में जाने के बाद जिस फ़ोटो को भी आप हाइड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको कॉर्नर पे मोर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट एज प्राइवेट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपकी वो फ़ोटो प्राइवेट सेव में चली जाएगी और आपकी गैलरी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर गाइज आप एक साथ कई सारे फ़ोटो हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट एज प्राइवेट और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज वो सारे फ़ोटो आपके प्राइवेट सेव में चले जाएंगे और आपको अपनी गैलरी में देखने को नहीं मिलेंगे। अब गाइज उन फ़ोटोज़ को आप एक्सेस कैसे करेंगे? तो गाइज उनको एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी में जाने के बाद प्राइवेट सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करने के बाद गाइज आपका प्राइवेट सेव ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इमेजेस एंड वीडियोज़ का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 आइटम्स इसके अंदर हैं, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइज आपको ये सारी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी जो भी अभी आपने हाइड की थी, तो यहाँ से आप गाइज इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर गाइज अब इन फ़ोटोज़ को आप अनहाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइज आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप अनहाइड करना चाहते हैं और सेट एज पब्लिक पर क्लिक कर देना है। सेट एज पब्लिक पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में भी आप उस फोटो को देखना चाहते हैं, तो वो फ़ोटो आपकी अनहाइड हो जाएगी, वापस आपकी गैलरी में चली जाएगी। अगर गाइज आप एक साथ कई सारी फ़ोटो अनहाइड करना चाहते हैं उसके लिए आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज सेट एज पब्लिक कर देनी है, तो ये फ़ोटो सारी आपकी वापस से गैलरी में चली जाएंगी। तो इस तरह से आप गाइज फ़ोटोज़ को अनहाइड भी कर सकते हैं। उन फ़ोटोज़ को एक्सेस करने के लिए आप बार बार सेटिंग्स में नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए गाइज आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। उसके लिए गाइज आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेट सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड डालने के बाद गाइज यहाँ पर आपको 2 डॉट्स दिखेंगे कॉर्नर पे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फेस वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। अगर गाइज आप प्राइवेट सेव को अपने फिंगरप्रिंट से और फेस से एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर लीजिए। अब गाइज इसके नीचे आपको होम स्क्रीन आइकन का ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज ऐड टू होम स्क्रीन का एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद गाइज आपका एक प्राइवेट सेव का आइकन आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्राइवेट सेव का एक आइकन आपकी होम स्क्रीन पर आ चुका है। तो गाइज इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उन फोटोज को एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपने हाइड की हुई है। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइज आपका प्राइवेसी पासवर्ड डाल लेना है। प्राइवेसी पासवर्ड डालने के बाद गाइज यहाँ पर वो प्राइवेट सेव ओपन हो जाएगा और वो फोटोज एंड वीडियोज को आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप फोटोज एंड वीडियोस को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।